Hello students, how are you all? I hope you all are fine at home. Today, we are going to study another chapter. Okay, I hope you are enjoying all the classes which we are giving you. Okay, so come at page number 22 of your previous book. Okay, we are going to study chapter 4 of your previous book. What is the name of the chapter? Food that we eat. So, we are going to discuss whichever food we are eating is good for us or not, or what food is good and what is not. Okay, let's start reading this chapter. Before reading this chapter, one exercise is given here. Make a list of food items that you like to eat. यहाँ आपको वो तीन food items लिखने हैं जो आपको खाना अच्छा लगता है. Okay? We all need food to live and grow. हम सबको जीने और बढ़ने के लिए खाना जरूरी है. Right? अगर हम खाएंगे नहीं तो हम तो छोटे ही रह जाएंगे ना, और हम जिएंगे कैसे? इसलिए वी नीड फूड. सो फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. फूड हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है. इट गिव्स अस एनर्जी टू प्ले वर्क एंड थिंक. खाना हमको एनर्जी देता है खेलने के लिए, काम करने के लिए और सोचने के लिए. अगर आप में एनर्जी नहीं होगी तो आप गेम्स कैसे खेलोगे? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट ना. इसलिए हमारे लिए खाना बहुत जरूरी है. ओके, काइंड्स ऑफ फूड. अब देखते हैं कि कितने टाइप्स के फूड होते हैं. ओके, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हम अलग अलग तरह के फूड खाते हैं और हर फूड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. लेट्स सी कैसे. एनर्जी गिविंग फूड. अब ऐसा खाना जो हमें बहुत एनर्जी देता है वो कौन सा है? सम काइंड ऑफ फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क. कुछ टाइप के फूड हमें एनर्जी देते हैं टू प्ले एंड टू वर्क. दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड. Understand? Okay. Examples: butter, potato, sugar, jaggery, and chocolate. Food rich in sugar. ये जो सारे foods हैं वो example हैं ऐसे food के जो बहुत ही sugar में rich होते हैं. Okay? हमें ये सब भी खाना चाहिए but timely. Okay? Body building food. ऐसे फूड जिससे हमारी बॉडी बनती है वो क्या होते हैं? फूड दैट हेल्प अस टू बिल्ड आर मसल्स एंड मेक आर बॉडी स्ट्रॉन्ग आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. ओके, सम ऑफ दीज आर मटन, चिकन, फिश, एग्स, चीज एंड मिल्क. You drink milk, right? We should drink milk twice a day. Now, protective food. Foods that protect our body from falling sick are known as protective food. अब protective food क्या होता है? वो food जो हमारी body को बीमार पड़ने से रोकता है. Okay? So, these includes fruits and vegetables, right? जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जिससे हम बीमार नहीं पड़ते. फूड्स लाइक मिल्क, पनीर एंड कर्ड्स आर नीडेड टू कीप आर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. पनीर, कर्ड एंड मिल्क हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. ओके, हैव यू एवर वॉन्डर्ड वेयर वी गॉट फूड फ्रॉम. क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारा खाना हमें कहाँ से मिलता है? किसी को पता है? नहीं पता? वी गेट मोस्ट ऑफ आर फूड फ्रॉम आइदर प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स. हमारा सारा फूड या तो प्लांट्स से आता है या एनिमल्स से आता है. ओके,
फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। अब कौन से फूड जैसे हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं? स्टडी दिस। शुगर, फ्रूट, राइस, ऑयल, व्हीट एंड कॉर्न। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन फूड्स के जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे होम। टेक केयर, बाय।